वेलकम स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो अपन चर्चा कर रहे थे सेट के ऊपर, और सेट के अंदर अपना एक लास्ट एक थ्योरम बची हुई थी जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो वो थ्योरम देख लेते हैं। इफ ए बी सी एंड डी आर फोर सेट्स देन Prove that A cross B intersection C cross D बराबर A intersection C cross B intersection D। तो थ्योरम का स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है A cross B intersection C cross D बराबर, और अपने को प्रूफ करना है A intersection C cross B intersection डी। तो लास्ट क्लास में अपन ने जो थ्योरम की थी उसी के बेसिस पे ये थ्योरम अपन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इसका कोई एक ऑर्डर्ड पेयर मान के चलेंगे और इसके अंदर इसको शो करना है। तो देखना प्रूफ में, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ये एक ऑर्डर्ड पेयर अपन ने लिया है इसका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी का, और इसे शो करना है इसमें। तो देखना, इसको आप लिख सकते हो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब जो ये एक्स वाई है वो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x belongs to A और एंड y belongs to B। A cross B में belong कर रहा है x y, यहाँ से क्या कह सकते हो आप कि x एलिमेंट है A का और y एलिमेंट है B का, यानी x belongs to A एंड y belongs to B। एंड सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो x belongs to C एंड y belongs to D। अब यहाँ से एक बार A और C को साथ ले लेते हैं, तो आप लिख सकते हो x belongs to A तथा x belongs to C, यहाँ एंड कर लो, एंड x y belongs to B एंड y belongs to D। यहाँ से अपने को दिखाई दे रहा है कि x बिलोंग कर रहा है A में और C में, इसका मतलब है कि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है तो हम लिख सकते हैं इसको x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, एंड यहाँ से लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन D। दोनों में कॉमन है इसलिए इंटरसेक्शन आ गया। अब वापस x बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन C में, y बिलोंग कर रहा है B इंटरसेक्शन D में, तो x y बिलोंग किस में करेगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में। तो आप लिख सकते हो इसको एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो हम इसमें लेके चले थे, इसमें शो कर रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, हैंस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी बराबर ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। यही अपने को थ्योरम के स्टेटमेंट में प्रूफ करना था, और जो सेट का अपना टॉपिक है वो इस थ्योरम के साथ कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन इसी यूनिट में यूनिट नंबर फर्स्ट की ही अभी चर्चा कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में एक जो और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन सिद्धांत। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं इसी यूनिट के। इसी यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन सिद्धांत।
तो मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत की बात करते हैं, तो हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, 12th में पढ़ चुके। तो मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, इसके लिए ध्यान से समझना, जो भी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ उसको समझना और सुनना। मैथमेटिकल इंडक्शन किस चीज़ के लिए लेते हैं, अगर अपने को कोई एक एन टर्म्स की कोई इक्वेशन दी हुई है या एन टर्म्स का कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हम उसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल देखना एक बार, सबसे पहले क्या करते हैं, इस दिए गए स्टेटमेंट में हम n बराबर एक रखते हैं और n बराबर एक के लिए उसे प्रूफ करते हैं, उसकी LHS और RHS दोनों साइड कैसे दिखाते हैं, इक्वल दिखाते हैं। उसके बाद n बराबर टू के लिए उसको प्रूफ करते हैं, इसी प्रकार हम चलते जाते हैं और उसको n बराबर m के लिए उसको मानते हैं कि ये सही है। उसको क्या मानेंगे, n बराबर m के लिए ये मानते हैं कि ये सही है, और उसको सही मानते हुए हम उसको प्रूफ करेंगे n बराबर m प्लस वन के लिए। तो ये क्या होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन को, गणितीय आगमन सिद्धांत। तो क्वेश्चन लिखते हैं इसका एक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका एग्जांपल, प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ, प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डैश डैश प्लस एन क्यूब इक्वल्स टू वन बाई फोर एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर और एन कोष्टक एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। देखना स्टूडेंट, हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है एन टर्म में वो इस प्रकार दिया हुआ है, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब डैश डैश एन क्यूब, और ये बराबर में अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए देखना, मैंने बताया था मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले क्या पुट करते हैं, एन बराबर वन। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में देखना, फोर एन इक्वल्स टू वन, तो वन फर्स्ट टर्म काम में ले रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म के लिए वन क्यूब इक्वल्स टू, इसमें एन बराबर क्या रखना है, वन पुट करना है, तो वन बाई फोर वन स्क्वायर वन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो वन क्यूब इक्वल्स टू वन बाई फोर वन इंटू टू का स्क्वायर। वन क्यूब क्या होगा, यहाँ से वन क्यूब का मतलब वन बराबर इसका मान दो की पावर चार, तो वन बाई फोर इंटू फोर ये कैंसिल, तो यहाँ से अपने को जो मिलेगा वन बराबर वन कह सकते हो, एल एच एस बराबर आर एच एस, तो एन बराबर वन के लिए क्या हो गया, सही है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे स्टेप सेकंड में, एन बराबर इसको मानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो एन बराबर एम के लिए कैसा है, सही है। तो देखना, लेट द गिवन स्टेटमेंट, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एम, दैट इज इसे n बराबर m के लिए कैसा मान रहे हैं, सही मान रहे हैं। तो पूरी इक्वेशन में क्या करोगे, n बराबर m पुट करते हैं, तो वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डैश डैश प्लस एम क्यूब बराबर वन बाई फोर एम स्क्वायर कोष्टक एम प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर एक नाम दे देते हैं। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं इसकी, ये स्टेप सेकेंड हो गई, स्टेप थर्ड देखना। स्टेप थर्ड में मैंने बताया था क्या करते हैं, एन बराबर एम प्लस वन के लिए इसको सिद्ध करते हैं। तो देखना, फोर एन इक्वल्स टू एम प्लस वन, इस पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, एन बराबर एम प्लस वन पुट करेंगे, तो वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस डैश डैश एम प्लस वन का क्यूब इक्वल्स टू वन बाई फोर एम प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस वन
प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ से वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस डैश डैश एम प्लस वन का क्यूब इक्वल्स टू वन बाई फोर एम प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो एम प्लस टू का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर दो नाम दे देते हैं। अपने को क्या करना है, इसकी LHS साइड लेके चलनी है और RHS साइड लेके आनी है। तो इसकी LHS साइड लेके चलते हैं, LHS अपने को दी हुई है वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस डैश डैश एम प्लस वन का क्यूब इक्वल्स टू, ये एम प्लस वन वी टर्म है तो इसके जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी, एम क्यूब। तो इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस डैश डैश एम क्यूब प्लस एम प्लस वन का क्यूब, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी, एम क्यूब होगी। तो देखना आप आगे, अब इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट। देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट वन क्यूब प्लस टू क्यूब डैश डैश एम क्यूब की जगह बाई इक्वेशन फर्स्ट से अपन रिजल्ट यूज कर सकते हैं, वन बाई फोर एम स्क्वायर कोष्टक एम प्लस वन का होल स्क्वायर। वो कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करते हैं। तो देखना, वन बाई फोर एम स्क्वायर एम प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एम प्लस वन का क्यूब। देखना, इस टर्म से पूरी टर्म से हम एम प्लस वन का होल स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। तो एम प्लस वन का होल स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा, ये तो पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एम स्क्वायर बाई फोर, यहाँ बचेगा एम स्क्वायर बाई फोर प्लस ये बचेगा एम प्लस वन। देखना आगे, इसको इस तरफ देखते हैं, यहाँ से चार क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखना, एलसीएम लेने के पास अपने पास बचेगा एम प्लस वन का होल स्क्वायर कोष्टक एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस फोर अपॉन फोर, ये फोर इसके नीचे ले लेते हैं तो वन अपॉन फोर एम प्लस वन का होल स्क्वायर, अंदर बचेगा एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस फोर। इस टर्म को आप लिख सकते हो एम प्लस टू का होल स्क्वायर, तो वन बाई फोर एम प्लस वन का होल स्क्वायर एंड एम प्लस टू का होल स्क्वायर। तो LHS लेके चले थे, RHS हमें मिल गया, यही प्रूफ करना था इक्वेशन दो में कि अपन क्या लेके चले थे, LHS लेके चले थे और क्या मिल रहा है, RHS। अतः हम क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हो हैंस द स्टेटमेंट, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एम प्लस वन। तो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेना, सबसे पहले क्या करते हैं, एन बराबर वन पुट करते हैं, उसके बाद अपन इसको मानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो एन बराबर एम के लिए कैसा है, सही है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगी उसमें हमें प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट एन बराबर एन प्लस वन के लिए सही है। तो ये इस प्रकार से अपन ने इसको सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब वही है प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वन अपॉन वन डॉट थ्री प्लस थ्री डॉट फाइव प्लस फाइव डॉट सेवन डैश डैश टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन बराबर एन अपॉन टू एन प्लस वन। देखना, यहाँ से स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है और वही इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखना, स्टेप फर्स्ट फोर एन इक्वल्स टू वन। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म काम में ले लें, तो फर्स्ट टर्म और बाकी टर्म में क्या लिखोगे, एन बराबर वन रख दो। तो वन अपॉन वन डॉट थ्री इक्वल्स टू वन अपॉन टू इंटू वन प्लस वन, वन डॉट थ्री क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन अपॉन टू प्लस वन, तो इक्वल्स टू वन बाई थ्री इक्वल्स टू वन बाई थ्री। यहाँ से क्या कह सकते हो, LHS बराबर RHS। स्टेप सेकंड में देखना,
स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को मानते हुए चलते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो कैसा है, एन बराबर एम के लिए सही है। तो देखना, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एम। जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो एन बराबर एम के लिए कैसा है, सही है। तो एन बराबर एम इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस डैश डैश 1/2m-1 एंड 2m+1 इक्वल्स टू m/m+1। इसको इक्वेशन नंबर एक नाम दे देते हैं। आगे देखना, अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में इसको प्रूफ करेंगे n बराबर m प्लस 1 के लिए। तो देखना, स्टेप थर्ड 4n=m+1। तो m+1 इस स्टेटमेंट में रखते हैं हम, तो 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस डैश डैश 1/2m+1-1 एंड 2m+1+1 इक्वल्स टू m+1/2m+1 एंड 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/1.3 प्लस 1/3.5 डैश डैश प्लस 1/, ये हो जाएगा 2m+2-1। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m और 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2-1, साथ में ये भी सेम 2m+2+1=m+1, ये 2m+2+1। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 1/1.3 प्लस 1/3.5 डैश डैश, ये हो जाएगा 2m+1 एंड 2m+3=m+1/2m+3। इसको इक्वेशन नंबर दो नाम दे देते हैं। अपने को प्रूफ इस LHS साइड को लेके चलना है और RHS साइड लेके आनी है। तो LHS, अब देखना इसकी जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी, 1/3 प्लस 1/3.5 प्लस डैश डैश, इसकी जो जस्ट पहले वाली टर्म होगी वो होगी 1/2m-1 और 1/2m+1। तो 2m-1, 2m+1 एंड 1/, ये आगे वाली 2m+1 एंड 2m+3। अब देखना, बाई इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हुए यहाँ इस टर्म की जगह क्या यूज़ करेंगे, m/2m+1। तो देखना, m/2m+1 प्लस आगे वाली टर्म ऐसी की ऐसी 1/2m+1 और इसके मल्टीप्लाई में 2m+3। इसके आगे इस तरफ देखते हैं, नोट कर लेना आप, तो देखना उसको सोल्व करते हैं। तो टर्म थी अपने पास m/2m+1+1/2m+1 and 2m+3। एलसीएम लेते हैं, ऐसे एलसीएम जो आएगा वो 2m+1 and 2m+3, अपने पास एलसीएम बचेगा, यहाँ से अपने पास m और क्या बचेगा, 2m+3+1। देखना इसको आप लिख सकते हो 2m²+3m+1/2m+1 and 2m+3। तो यहाँ से इसका फैक्टर करके हम इसको लिख सकते हैं 2m+1 and m+1, ये बन जाएगा 2m+1 and 2m+3। तो इस टर्म का जब हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद हमें जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी 2m+1 m+1/2m+1/2m+3। ये 2m+1 से 1 कैंसिल, तो जो फाइनल टर्म अपने पास बचेगी वो बचेगी m+1/2m+3। यही क्या करना था अपने को, प्रूफ करना था। तो LHS लेके चले थे और RHS हमें मिल रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस
लास्ट में नीचे एक लाइन लिख देना, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एम प्लस वन, यहाँ तक नोट कर सकते हो। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बुक का एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश प्लस एन इक्वल्स टू वन बाई टू एन कोष्टक एन प्लस वन, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो वही स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, फॉर एन इक्वल्स टू वन एन रख दो, तो वन इक्वल्स टू वन बाई टू वन प्लस वन, तो वन बराबर वन बाई टू, ये वन और वन टू, टू से टू कैंसिल, तो वन बराबर वन, यहाँ से क्या कह सकते हो, एल एच एस बराबर आर एच एस। इसी प्रकार स्टेप सेकंड में मैंने बताया था कि क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को एन बराबर एम के लिए कैसा मानते हैं, सही मानते हैं, तो एन बराबर एम इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश एम इक्वल्स टू वन बाई टू एम कोष्टक एम प्लस वन, इसको इक्वेशन नंबर एक नाम दे देते हैं। फिर क्या करते हैं स्टेप थर्ड में फोर एन इक्वल्स टू एम प्लस वन के लिए इसको प्रूफ करते हैं। तो स्टेटमेंट में रख दो एम प्लस वन, तो वन प्लस टू प्लस थ्री डैश डैश प्लस एम प्लस वन बराबर वन बाई टू एम प्लस वन, और ये एम प्लस वन क्या हो जाएगा, एम प्लस टू। अब देखना इसको एक टर्म कम कर लो, एल एच एस साइड लेके चलते हैं इसकी, तो एल एच एस साइड वन प्लस टू प्लस थ्री डैश डैश, इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी, एम प्लस वन इक्वल्स टू, इस टर्म की जगह बाई इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हो, वन बाई टू एम एम प्लस वन, तो वन बाई टू एम एम प्लस वन। यहाँ से देखना प्लस में ये क्या बच रहा है, एम प्लस वन, यहाँ से देख लो, मल्टीप्लाई कर लो इसको, इसकी जगह हमने लिखा और क्या बच गया अपने पास, एम प्लस वन, तो वन बाई टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एम स्क्वायर प्लस एम और प्लस एम प्लस वन, यहाँ से लिख सकते हो आप वन बाई टू एम प्लस टू एम प्लस वन। सॉरी एक सेकंड देखना, यहाँ से दोबारा, यहाँ से वन बाई टू अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एम स्क्वायर प्लस एम फिर प्लस एम प्लस वन, यहाँ से दो क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, तो वन बाई टू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस टू एम प्लस टू, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू, यहाँ से एम कॉमन ले लो और यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं, तो ये एम अंदर बचेगा एम प्लस वन, यहाँ प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एम प्लस वन, यहाँ से वापस क्या कॉमन आ रहा है, एम प्लस वन, तो वन बाई टू एम प्लस वन कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एम प्लस टू। यही क्या करना था, प्रूफ होता, आप क्या कह सकते हो, एल एच एस बराबर आर एच एस। एक बार दोबारा देखना इसमें, यहाँ तक क्लियर था सभी को, यहाँ से देखना इसके जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी, ये वाली, तो यहाँ इस रिजल्ट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वन बाई टू एम कोष्टक एम प्लस वन, तो वन बाई टू एम कोष्टक एम प्लस वन और ये एम प्लस वन जो इस टर्म का बचा हुआ है, यहाँ से देखना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस एम प्लस वन, दो क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेने के बाद ये पूरे के कोष्टक लगा देंगे, तो एम स्क्वायर प्लस एम ऐसा कैसा है, ये टू एम और ये टू, यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इस टर्म में से एम कॉमन ले लो, तो इस टर्म में से मैंने क्या किया, एम कॉमन लोगे तो यहाँ एम प्लस वन बचेगा, और इस टर्म में से टू कॉमन लेंगे तो बचेगा एम प्लस वन। अब पूरी टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एम प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो एम प्लस वन बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, एम प्लस टू। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने मैथमेटिकल इंडक्शन का एक पार्ट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं इसी का।
अभी दो तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें और बचे हुए हैं, तो एक टाइप का क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुका है। आप इसके क्वेश्चन करते हुए देखना, जो भी आपको डाउट हो, जो भी कोई सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और वहाँ आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।